चलें जी, आज हम बना रहे हैं बादाम वाले खजूर। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी रोज दानिश, वेलकम टू अनदर व्लॉग और ब्यूटीफुल डे। बाय बाय। क्यों अभी स्टार्ट होते ही खत्म? चलें जी, मिराल की तो ऐसी हरकतें चलती रहती हैं। अच्छा जी, मिशी का तो आज रोजा है, सही और अभी बज रहे हैं 4 बज रहे। कैसा लग रहा है रोजा? अच्छा है, क्योंकि रोजा नहीं लग रहा। रोजा नहीं लग रहा इनको। अभी कहाँ जा रही हो? पेरिया। तुम कहाँ जा रही हो? अपने कपड़े तो दिखाओ। खड़े हो के दिखाओ। वाओ, सो प्रीटी, सो प्रीटी। चलो जाओ, स्लीपर्स पहनो और जाओ। और ज्यादा भागना नहीं, वरना रोजा लगेगा। अच्छा जी, हल्की फुल्की से टेंशन लगाकर मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। नहीं मिशे, भागना नहीं बेटा, वरना फिर आप बेहोश हो जाओगी। नहीं, वैसे भी रोजा लगेगा। अच्छा जी, ये लोग तो जा रहे हैं लेरिया। अच्छा, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले जाकर सहरी की क्लिप्स देखें और उसमें आप मिशी का सोना देखें। मिशी को सुलाते हैं, हम कहीं और हैं, मिलती वो कहीं और से। मनाल की एक्टिविटी देखें, इतना माइंड में अपने हावी कर लेते हैं मोबाइल को कि उसको सोना नहीं है। और मोबाइल लेकर बस मैं जागी हुई हूँ, मोबाइल मेरे सामने, मैं सोंगी नहीं मामा, मैं सोंगी नहीं। और वो मोबाइल चल रहा है और मनाल मैडम सो गई हैं, तो वो भी देखें आप। और तो चलें, आप लोग वो क्लिप्स वगैरह देखें। और सहरी में ज़्यादा ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, तो वो छोटी छोटी सी क्लिप मैंने बना ली थी, तो वो क्लिप्स देखें। क्यों? आप लोग देखिएगा, ठीक है? और जब तक के मैं और काम कर लेती हूँ, मोबाइल तो भी। अच्छा जी, नमाज वगैरह मैंने पढ़ ली है, अभी असर होगी तो फिर इंशाल्लाह असर की नमाज पढ़ेंगे। बाबू झोल पढ़ ली, बाबू ने भी झोल पढ़ ली है, अब अच्छल पड़ेगी बाबू, है ना मामा? कब तक जोहर का मतलब? आप आधे घंटे में आ जाइए ना, मेनू बुलाना है। तो चलें, ये लोग जा रही हैं प्ले एरिया, मैं जाती हूँ थोड़े बहुत काम कर लूँ, क्योंकि आज छोले बनाने हैं, तो आज मैं जाती हूँ जल्दी सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं। आप लोग क्लिप देखें, इंजॉय करें, उसके बाद मिलते हैं। A few moments later. चलें जी, आज मिशी मैडम रोजा रख रही हैं। मिशी हाथ हिला दो कैमरे को देखकर। गिरा दो। और ये दो बड़ी मुश्किलों से उठे हैं। इसका तो आपने देख लिया होगा सोना, हमने आपका सोना दिखाया, आप व्लॉग में देखिएगा। अभी भी बिल्कुल बड़ी मुश्किलों से उठी हुई है ये इंशाल साहब, ये मिशी मैडम। सही से करना है सारी, समझी? और कल चक्कर वक्कर नहीं आना चाहिए। और ये मैं, अब हम सारी करते हैं, फिर मिलते हैं कल। The next day. चलें जी, एक प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि दाई साहब की हो गई है तबीयत खराब, और वो सुबह से लेटे हुए हैं, सो रहे हैं बिल्कुल, और घर में फ्रूट्स नहीं है, एक भी फ्रूट नहीं, एक फ्रूट है सिर्फ, सेब है, और बाकी फ्रूट्स नहीं है। और एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी नहीं है कि मैं बनाऊँ, सिर्फ छोले हैं और दाल के और आलू के पकौड़े हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो ये एक मसला हो गया और समझ में नहीं आ रहा, वो सिर्फ सोए जा रहे हैं दानिश साहब, उनकी इतनी सी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो कुछ करें। तो खैर, कुछ बोल भी नहीं सकती अब मैं, लेकिन खैर मैंने बस एक और हल था जो हर बहन के पास होता है, मेरे पास भाई है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको मैंने फ़ोन किया, भाई ये चीज़ें नहीं है और ऐसा सा मसला है। तो भाई बोला ठीक है मैं आता हूँ लेकर। तो भाई अभी घर ही जा रहा था, रास्ते में था, तो भाई लेकर आ रहा है सारी चीज़ें। तो
भाई काम आ गया मेरे आज, ऐसा तो हमेशा काम आता है लेकिन आज दोबारा काम आ गया अगेन, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस चले भाई आता है जब तक कि उसके पास सारी चीज़ें रेडी करेंगे। अभी टाइम हो गया है 5:25, नेट नहीं चल रहा तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर थोड़ी है, नेट नहीं चल रहा तो बस भाई आता है तो फिर रेडी करते हैं। असर की अजान भी हो गई है, छोले बन गए हैं, बाकी चीज़ें भी रेडी हैं, आते हैं तो फिर सारी चीज़ें करते हैं। क्या क्या बना रही हूँ, नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है और पापा की तबीयत ख़राब है, पापा सो रहे हैं। मामू से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाई हैं, फ्रूट चाट के लिए तो फिर भी मैंने मंगा लिया मामू से, और खैर मैं इसको सारी डिटेल बताती हूँ उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे सारी जब सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके बाद। अच्छा जी, ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी, दुआओं में याद रखी कि दानिश की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो मैंने उनको बोला डॉक्टर के पास जाने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर के पास बोले मैं अफ्तार के बाद जाऊँगा, जाहिर सी बात है अगर इंजेक्शन वगैरह लगेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा रोज़ है, तो दुआओं में याद रखिएगा। चलें जी, आज हम बना रहे हैं ये खजूर, बादाम वाले खजूर, इसमें से बीज निकाल कर और बादाम डाल लेंगे। अच्छा जी, आप सब बोलेंगे इतने सारे किस लिए भाई, इतने सारे इसलिए कि मैं अम्मी के भेज रही हूँ बनाकर उमैसा फरीसा के लिए, ठीक है भाई अभी आ रहा है तो उसके हाथ ही भेज दूँगी कि बच्चियों को खिला देना मेरी तरफ से। तो चलें भाई आते हैं तो फिर मिलते हैं। चलें जी, भाई आ गया था सारी चीज़ें लेकर और अब बनेगी अपनी चाट, ये रोल वगैरह मंगाए थे और दही मंगाई थी, ये सारी चीज़ें। अच्छा अभी मैंने दानिश का फीवर चेक किया तो उनको फीवर हो रहा है 101, पता नहीं क्या हो गया, और खांसी बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, तो खैर अभी दवाई वगैरह भी नहीं दे सकते, तो चलें अभी इफ्तारी की तैयारी करते हैं, उसके बाद उनको डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं जाएंगे कुछ नहीं पता, तो देखते हैं मिलते हैं इफ्तार के दस्तरखान पर इंशाल्लाह ताला। चलो जनाब हमारा सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और दस्तरखान बिछ चुका है, अभी भी 2-3 मिनट रह गए, दानिश की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो अफ्तारी कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, इनको दिखाते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, ड्रिप लगती है या इंजेक्शन लगता है। चलो अफ्तार पर बैठते हैं और दुआएं मांगते हैं, और आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। पानी पानी पी के